हमारे अंदर जो कुछ भी चीज़ें हैं जिसके हम अमीन हैं, ये सब अल्लाह के रास्ते में हमें देना है। जान अजीज को अल्लाह रब्बुल इज्जत के रास्ते में देने की तमन्ना और शहादत की आरज़ू बंदे मोमिन की मेराज है। हम अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए पैदा किए गए हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए ही अपने आप को सर्फ करने का और अल्लाह के रास्ते में देने का ये हमारा जज्बा होना चाहिए। इसीलिए फरमाया इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मोमिनीन अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्ना। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मोमिनीन से उनकी जानों को, उनके माल को जन्नत के बदले खरीद लिया है। ये हमारा माल हमारा नहीं है, ये हमारी जान हमारी नहीं है। हम अगर उसने माल को और अपनी जान को वैसे ही लगाते हैं और खर्च करते हैं जैसे अल्लाह ताला चाहता है तो हमें जन्नत मिलेगी। लेकिन अगर मुसलमान होने के बावजूद भी हम माल वैसा नहीं खर्च करते, जान वैसे नहीं लगाते अपनी जैसे अल्लाह उसके रसूल को मतलूब है, तो जन्नत मिलने वाली नहीं है। इसीलिए कहा गया तुम्हारी जिंदगी ऐसी होनी चाहिए कि पूरी जिंदगी तुम्हारे अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए हो जाए। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महया व ममाती लिल्लाह रब्बिल आलमीन। कह दो कि मेरी जो इबादतें हैं बदनी और मेरी जिस्मानी और माली और मेरा मरना और जीना सब अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए है। तो वो वक्त दूर नहीं है जब अल्लाह रब्बुल इज्जत का जो दीन है वो इस पूरी कायनात में दोबारा वैसे ही गालिब होगा जैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गालिब करके दिखाया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेशिन गोइयाँ एक बात सब पूरी होती चली जा रही हैं। आपने फरमाया था कसम खुदा की इस ज़मीन पर क़यामत बरपा नहीं हो सकती जब तक कि मेरे लाए हुए निज़ाम के मुताबिक इस्लामी निज़ाम इस ज़मीन पर ना आ जाए। अल्लाह ताला का निज़ाम ऐसे ही नहीं आ जाता। अल्लाह रब्बुल इज्जत का निज़ाम उसके अंसारुल्लाह के जरिए आता है, उसके मददगार पैदा होते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू अंसारल्लाह। अय लोगों जो ईमान लाए हो अल्लाह के मददगार बन जाओ। और अल्लाह के मददगार होने का मतलब यह है कि वह अपना वक्त और अपनी सलाहियतें, अपना माल और अपनी जान को हमेशा अल्लाह रब्बुल इज्जत के रास्ते में खपाते हैं। तो आज वो मौका है कि हमको जन्नत हासिल करना है, जन्नत में फिरदौस आला हासिल करना है, तो हमें अपनी जान के लिए भी तैयारी करते रहना चाहिए। इसलिए कि अगर मौका आ जाए और अल्लाह के रास्ते में हमारी जान चली जाए अगर, तो फरमाया कि जान दीदी हुई उसी की थी, हक तो यह है कि हक अदा ना हुआ। ये जान अल्लाह की थी, अल्लाह के रास्ते में दे दी गई तो हमने क्या बड़ा एहसान किया। ये तो बड़ा अजीम व रहीम व करीम मालिक है कि माल दे करके वापस लेता है तो नवाजता है, और जान दे करके भी अगर वापस लेता है तो हम तमाम को बुलंद मकाम पर फाइज करता है। और वो मौका हमारे सामने रहना चाहिए, उसकी तैयारी रखनी चाहिए कि मौत हमारे घात में बैठी हुई है। मौत तो कभी भी आ सकती है, बंदे मोमिन मौत का वेलकम करता है, मौत से डरता नहीं है। इसलिए हमको हमेशा तैयार रहना चाहिए कि अपनी जो जिंदगियां हैं उसको अल्लाह ताला के रास्ते में लगाएं, आजमाइशों से गुजरें, सब्र के जरिए आगे बढ़ें। कशीदा हालात ज़रूर आएंगे, लेकिन इसमें बंदे मोमिन अल्लाह रब्बुल इज्जत पर तवक्कुल रखता है, अल्लाह ताला से अपनी रस्सी को मजबूत रखता है, अल्लाह ताला की तरफ रुजू होता है। आज से नहीं, पूरी तारीख इंसानियत तो तारीख इस्लाम गवाह है कि मुसलमानों पर और इस्लाम के मानने वालों पर बहुत ही मजालिम तोड़े गए। आज तो मौका सेकुलरिज्म के इस माहौल में, डेमोक्रेसी के इस हालात में आपको गुफ्तगू करने का, बात करने का, जुडिशरी में जाने का, लोगों को मोबिलाइज करने का मौका हासिल है। ह्यूमन राइट्स के इदारे मौजूद हैं, आपके बारे में बोलने वाले लोग मौजूद हैं। ज़रा तस्वूर कीजिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़र हिजरत से पहले मक्की दौर का, जब मारे जा रहे थे, पीटे जा रहे थे, जब मॉब लिंचिंग हो रही थी, शहीद किए जा रहे थे, मक्का की गलियों में घसीटे जा रहे थे। ह्यूमन राइट का कोई अदारा नहीं था जो बोल पाए, FIR कहीं लिखी जा नहीं रही थी, कहीं कोई सुनवाई नहीं थी। आज का यह दौर कम अज कम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस दौर से बहुत अच्छा है। हौसले के साथ रहिए, बच्चों की तरबियत कीजिए, नौजवानों को संभालिए। अब जो कुछ भी अल्लाह ताला ने नेमतें दी हैं अल्लाह ताला के रास्ते में लगाने की कोशिश कीजिए। घर में मत बैठिए, समाज में लोगों से मिलिए, गैर मुस्लिम भाइयों के साथ जाइए, अपने मोमिन भाइयों को ज़रा मोबिलाइज कीजिए, हौसला दीजिए, अपने बच्चों को हौसला दीजिए। और जितनी भी सलाहियतें हमारी हैं वो इस अंदाज से तैयार हों कि जब हम अल्लाह ताला के सामने जाएँ तो अल्लाह ताला हमसे खुश हो जाए और कहे कि फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। हमारा माहौल तो ऐसा होना चाहिए कि जब हमारा इंतकाल होने लगे और हमारी बीवी और हमारे बच्चे ये कहने लगे कि अब्बा रुख्सत हो रहे हैं, तो हम हजरत बेलाल की तरह ये कहें कि मेरी बीवी वाह बेलाला ना करो, वाह बेलाला ना कहो, बल्कि वाह परवाह कहो, हाय खुशी, हम तो मोहम्मद उनके असबाब से मिलने जा रहे हैं। पर्दा उठ रहा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत के जन्नत की झलकियां हमारे सामने आ रही हैं। इस मंजर के लिए हम तमाम को तैयार रहना चाहिए जिसके बारे में हदीस में कहा गया अल्लाह लिका। और हमको उस अंदाज से जिंदगी गुजारनी चाहिए कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को जब बर्छी मारी गई तो वो परेशान नहीं हुए, उन्होंने कहा फुज़्तु रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम में तो कामयाब हो गया। ये जो जवानियां हैं, ये जो अय्याम हैं, ये सब पार्ट टाइम बींग हैं, अल्लाह की नेमतें हैं। एक जवान मर्द की तरह जिए, बंदे मोमिन की तरह जिंदगी गुजारिए, अल्लाह के बंदे की तरह जमीन पर रहिए, हौसले के साथ, उमंग के साथ, सब्र के साथ, तवक्कुल के साथ। जब तक हमारी जिंदगी इस जमीन पर हो हौसले के साथ जिए, एक मुस्बत अंदाज से अपने समाज में काम करें, और जहां तक हो
हम तमाम अच्छाइयाँ बिखेरते फिरें, लोगों की मदद करते चलें। अल्लाह ताला से दुआ है कि बारे अल्लाह हम तमाम को इन सारे उम्र मसाइल पर गौर फिक्र करने और अमल करने की तौफीक नाथ फरमाएँ।